हेलो, स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने प्रश्न लग्न से कुंडली कैसे देखें उसे लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत शानदार जबरदस्त चर्चा करने वाला हूं, जिसे सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। कारण यह है कि जन्म लग्न कौन सी है और जन्म राशि कौन सी है, इसके लिए बीटीआर कृष्णमूर्ति पद्धति में किया जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे करते हैं उसका एक एग्जाम्पल मैं यहां बता रहा हूं, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं। कोई जातक अगर अपनी लग्न के बारे में नहीं जानता है, ये भी एक तरह का बीटीआर है, समझ लीजिए। तो हमें ये देखना है कि सूर्य किस राशि से द्वितीय भाव में, या किस राशि से तृतीय भाव में, या किस राशि से चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। इसको ध्यान से समझिए कि सूर्य यहाँ मेष राशि से द्वितीय है, मीन राशि से तृतीय स्थान पे है, और कुंभ राशि से चतुर्थ स्थान पे है। ये उदाहरण से इस चीज को समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सूर्य से जो भी राशि द्वादश में है, या जो भी राशि एकादश में है, या जो भी राशि दशम भाव में है, सूर्य से वो राशि आपकी जन्म लग्न हो सकती है। अब आपका बड़ा सीधा, सरल और सच्चा सा प्रश्न आपकी तरफ से आ सकता है कि इन तीनों में हम फिर किसे सही माने। देखिए, बीटीआर का कोई सिक्का बंद फार्मूला किसी के पास नहीं है। बीटीआर कई तरीके से होता है, तो यहां मैं राय आपको दूंगा कि ये वक्त गुजरने के साथ आदमी के अंदर अपना एक्सपीरियंस जब गेन करता है, तो वो देख के भी समझता है कि ये किस लग्न का जातक हो सकता है। मेष लग्न का जातक डिलडोल अच्छा होगा, मीन लग्न का जातक ज्ञानी नजर आएगा, कुंभ लग्न का जातक गंभीर नजर आएगा, गंभीरता उड़े हुए होगा। ये भी एक तरीका है। दूसरा काफी सरल तरीका मैं आपको बता देता हूं, हालांकि यहाँ केपी का इस्तेमाल आपको करना होगा, रूलिंग प्लैनेट्स को आपने ध्यान में देना है। अच्छा, मैं यहाँ एक क्लैरिफिकेशन और देना चाहता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि रूलिंग प्लैनेट सिर्फ केपी का ही अंग है या केपी का ही एक पार्ट है, तो ऐसी बात नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी तात्कालिक ग्रह जिसे कहा जाता था अंग्रेजी में, कृष्णमूर्ति पद्धति में उसे ही रूलिंग प्लैनेट कहा जाता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी तात्कालिक ग्रहों को देखने का प्रावधान या एडवाइस या राय दी गई है। तो यहाँ आपने तात्कालिक ग्रह देखने हैं। तात्कालिक ग्रह की कुंडली कैसे खोलनी है आप जानते ही हैं, एक दूसरी और कुंडली खोल लीजिए, या यही कुंडली जो आपने खोली है, सूर्य आपके सामने बैठा हुआ है प्रथम भाव में, उस हिसाब से मैंने बताया। अब सूर्य चतुर्थ में होगा तो आपको सूर्य का ये पिछला भाव, ये और ये देखना होगा, लग्न लेनी होगी। तो तात्कालिक में जो लग्नेश उठा है, यानी शुक्र है लग्नेश, लग्न का नक्षत्र लॉर्ड, और चंद्रमा किस राशि में विचरण कर रहे हैं, चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, और आज का वार क्या है, दिन क्या है, इन पांचों में से, पांच रूलिंग प्लैनेट में से आप, यानी तात्कालिक ग्रह में से आप देख सकते हैं कि तात्कालिक ग्रह क्या आ रहे हैं। अगर तात्कालिक ग्रह में आपको शनि मिल रहा है लेकिन बृहस्पति और मंगल नहीं मिल रहा, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि कुंभ लग्न की जातक की कुंडली है। अगर शनि नहीं मिल रहा, आपको गुरु मिल रहा है, और ना मंगल मिल रहा है ना शनि मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मीन लग्न की कुंडली है जातक की, या मंगल मिल रहा है, और ये दोनों अगर नहीं मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये दोनों अगर नहीं मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है इस जातक की, ठीक है ना। देखिए, काफी सरल तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कैसे चॉइस करना है आपने। उसके बाद आप डील डॉल देख सकते हैं, वो तीनों टिप्स भी मैंने आपको दे ही दी लगभग, कि मेष लग्न का जातक का डील डॉल अच्छा होगा, चौकोर चेहरा होगा, चौड़े कंधे होते हैं, और मीन लग्न का जातक ब्राह्मण को देखते हैं ना कैसा होता है, थोड़ा कमनीय देह वाला, गोल चेहरा, दिखने में ज्ञानी, तो वो मीन लग्न का जातक हो सकता है आपके सामने बैठा हुआ हो। और शनि का जातक अगर है,
तो थोड़ा रूखापन उसकी बातचीत में, उसके चेहरे में, उसके स्किन में भी रूखापन आपको नजर आएगा और वो थोड़ा गंभीर होगा और काफी गंभीरता से आपकी बातें सुनने की कोशिश करेगा। आप उसे कुछ भी कह रहे होंगे तो वो रिएक्ट कम ही करता है। आपको लगने लगता है पता नहीं मेरा फला देश इसे सूट कर रहा है कि नहीं, लेकिन वो एक्चुअली मनन कर रहा होता है। कुंभ राशि मनन करने वाली राशि होती है, गंभीर स्वभाव की होती है। तो ठीक है, कैसे आपने प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी जातक की लग्न राशि अगर नहीं पता है तो कैसे उस जातक की लग्न आपने कंसिडर करनी है, ये भी एक तरीका है आपके पास कि जातक की ये लग्न हो सकती है। और बहुधा आपके पास डेट है, टाइम है, लेकिन समय मतलब सही तरीके से नहीं है। डेट उसने बताई कि 1984 में मैं इस तारीख को जन्मा था और समय मुझे एक्यूरेट मालूम नहीं है, या वो समय बता रहा है 12 से 5 बजे तक का, तो वहां भी आपके पास माध्यम हो सकता है कि 12 से 5 के बीच में कौन सी लग्न उदय हो रही है और कौन सी लग्न हो सकती है। तो सूर्य उसके लिए बहुत बेहतरीन माध्यम आपके सामने है। सूर्य के द्वारा आप निश्चित कर सकते हैं कि इस जातक की ये लग्न है। ठीक है, तो इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। कॉमन क्रिएटिव वीडियो है ये भी, आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट मेरी तरफ से नहीं है और ऐसे ही और भी वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू।